सितारगंज पुलिस ने NH-74 पर मकबरा फार्म के पास हुई लूट का 7 घंटे में खुलासा किया। 23 फरवरी को वादी महेंद्र सिंह निवासी अजीतपुर ने सितारगंज कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि सिटकुल से ड्यूटी कर अपने घर अजीतपुर लौट रहा था, तभी मकबरा फार्म के पास पीछे 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लूट की, जिसमें 10,000 नकदी समेत एक मोबाइल फोन और अन्य कागजात लूट लिए थे। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच शुरू की है। साथ ही सितारगंज पुलिस की तत्परता के चलते 7 घंटे में टीम ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को NH-74 पर लगे CCTV कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही SP सिटी मनोज कात्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। वहीं तीनों की टीमों की कड़ी मेहनत के बाद 7 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। 7 सेसैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना। तो उसी तरह से उसको प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करने के लिए CO सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और SSI सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया। और जो टीमें गठित हुई उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे में हमने इस घटना का खुलासा किया, जिसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार अभियुक्तों से जो घटना में प्रयुक्त इको वाहन था वो भी हम लोगों ने बरामद किया, और साथ में जो लूटी गई संपत्ति थी जिसमें कैश शामिल है, जो वादी के प्रपत्र हैं वो है, और वादी का मोबाइल, वो सब हमने बरामद करने में सफलता हासिल की है।